हेलो गाइस, तो वेलकम टू वेक माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, डेड बूट सीक्वेंस। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कोई डेड फोन आता है तो आप उसको कैसे फाइंड करेंगे, आपके प्रॉब्लम क्या है, कि हमारा पावर आईसी ठीक है या नहीं है, या सीपीयू ठीक है या नहीं है, या ईएमएमसी ठीक है या नहीं है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है और ये वीडियो हम सिर्फ आपके लिए तैयार करते हैं। अगर आप वीडियो स्किप करना चाहते हैं तो वीडियो अभी ही स्किप कर दो पूरा। बाकी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं वीडियो में आपको कुछ ऐसी जानकारी बताऊंगा जो आपको शायद ना पता हो। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आज का टॉपिक हमारा ये है डेड वुड सीक्वेंस के ऊपर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कीजिएगा। और आप अगर मोबाइल रिपेयरिंग टूल से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं बेस्ट क्वालिटी का, तो भी आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो हमारा ये है डेड बूट सीक्वेंस। तो हमारे फोन जब हमारे पास आता है, हमारे फोन में कई सारी आईसियां होती हैं, तो उन्हीं में से एक आईसी होती है डीसी टू डीसी, और एक आईसी होती है हमारी पावर आईसी, एक आईसी होती है हमारी सीपीयू, और एक आईसी होती है हमारा ईएमएमसी। और भी कई सारी आईसियां होती हैं, लेकिन हमें डेड बूट सीक्वेंस में जो आईसीयू की नीड पड़ने वाली है समझने के लिए, वो इन चार आईसीयू की पड़ने वाली है। उसके बाद ये हमारी जो आईसी है पीएमआई 8952 जो मैंने अभी डीसी टू डीसी ली है, और जो हमारी पावर आईसी है PM8953 जो कि मैंने पावर आईसी ली है, और ये हमारा सीपीयू है MSM8953 जो कि मैंने सीपीयू लिया हुआ है। उसके बाद ये मेरा ईएमएमसी है, जो ईएमएमसी का ये नंबर मैंने यहाँ पर दे दिया है। तो अभी हम देखते हैं कि हम अगर इस डीसी टू डीसी को करंट दें तो हम बी वेट से भी दे सकते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट में आपको एक और आईसी की हमको नीड रहेगी ओवीपी, वो बना लेते हैं फर्स्ट। तो ये देखिए ओवीपी बन गए। ये हम बी बैट को यहाँ से भी दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से ना देके हम डायरेक्टली चार्जर से सप्लाई देंगे। हमारे पास डेड फोन आया है, हम डायरेक्टली चार्जर लगाएंगे और इसमें हम बी बैट, ये हमारा चार्जर का जो ट्रैक है, यहां से बीबस का प्लस 5 वोल्ट इन करेंगे। और ये जब इन होता है तो ये हमारा इस ओवीपी में आता है। कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास कई सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए हैं कि सर हमारा फोन चार्ज नहीं हो रहा, ओवीपी आईसी खराब होती है, उनको ओवीपी आईसी भी बाईपास नहीं कर मिलती। तो चलिए आज मैं इस ओवीपी आईसी को बाईपास करने का तरीका बताता हूं। तो चलिए मैं ले चलता हूं आपको हमारे स्कीमेटिक डायग्राम की तरफ। सॉरी, ये हमारा स्कीमेटिक डायग्राम है और इसमें मैं आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन के जरिए बताऊंगा। तो ये एक Redmi 5 Plus फोन है, जिसको हम Redmi Note 5 बोलते हैं। तो ये हमारा Redmi Note 5 फोन है, जिसमें हमारा VBUS 5 वोल्ट यहाँ पर इन होता है, और ये हमारा इसका टीपी पॉइंट है। उसके बाद जो हमारा ट्रैक होता है वो कई सारे कंपोनेंट्स से होकर जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक हमारा इसके ट्रैक में एक रजिस्टर लगा हुआ है 47 किलो ओम का, जो कि एक पैलर कंपोनेंट है। पैलर कंपोनेंट जो भी होता है वो हमारा प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कई सारी बातें बताऊंगा तो ये बात भी एक ध्यान रखने वाली बात है, कोई भी अगर पैलर कंपोनेंट है, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, तो ये सारा हमारा प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए
ये हमारा इस रेजिस्टर से होता हुआ इस कैपेसिटर पर आता है और फिर इस डायोड पर आता है। तो ये जो हमारा डायोड है और यहां से हमारा इन हो रहा है ओवीपी में। अब ये ओवीपी खराब हो गया तो ये यहां से आउट तो होगा नहीं, तो इसके लिए ये जो हमारा जहां से इन हो रहा है और जहां पर आउट हो रहा है उसके नजदीक जो भी कंपोनेंट्स हो, चाहे कैपेसिटर हो चाहे डायोड हो, तो इन दो को जम्पर मार देंगे तो ये हमारा ओवीपी बाईपास हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमको स्कीमेटिक आना जरूरी है, स्कीमेटिक पढ़ना आना चाहिए। चलिए अभी हम आपको ले चलते हैं फिर से और देखते हैं हमारा प्रेजेंटेशन की तरफ। तो ये हमारा ओवीपी आईसी है जो कि डायरेक्टली डीसी टू डीसी में आता है और ये विवस इनकी सप्लाई एक बॉल पर आती है, क्योंकि हमारी आईसी में कई सारी बॉल्स होती है लेकिन हमको जो नीड है वही बॉल्स हमने अभी यहां पर बनाई है। चलिए उसके बाद जो हमारी सप्लाई बनती है वो बनती है बीपीएच पावर। तो बीपीएच पावर सप्लाई कितनी होती है, 3.7 से 4.2 वोल्टेजेस होती है जो कि चार्जर लगाते ही बन जाती है। उसके बाद हमें यहां पर एक कॉइल भी देखने को मिलेगी जो कि एक हमारी बक कॉइल होगी। इसको कई लोग बूस्ट कॉइल बोलते हैं लेकिन ये बूस्ट कॉइल बिल्कुल नहीं होती। बूस्ट कॉइल हमारी पूरे फोन में सिर्फ दो ही सेक्शन में यूज होती है, एक लाइट सेक्शन और एक हमारा ग्राफिक्स सेक्शन, बाकी सभी जगह बक कॉइल्स ही मिलेगी। चलिए अभी ये हमारा यहां से ये इस एक कैपेसिटर पर आती है जो कि हमारी स्विचिंग की जो दूसरी सप्लाई है। ये हमारी एक साइड, ये हमारा वीपीएच निकल गया और एक साइड हमारी स्विचिंग की सप्लाई है। तो ये जो हमारी स्विचिंग की सप्लाई होती है वो बूट कैपेसिटर के एक सिरे से जुड़ी होती है। और ये बूट कैपेसिटर क्या होता है, ये कई लोग नहीं जानते कि बूट कैपेसिटर क्या होता है। ये हमारे मदरबोर्ड में एकमात्र ऐसा कैपेसिटर होता है जो दोनों साइड से वैल्यू देता है। मोस्टली बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि दोनों साइड वाला कैपेसिटर हो, लेकिन ये हमारे अगर चार्जिंग सेक्शन में है तो ये हमारा बूट कैपेसिटर है और इसकी कैपेसिटी समथिंग 50 वोल्ट के लगभग होती है। चलिए हम देखेंगे इसको, जब हम अपना स्कीमेटिक चेक करेंगे तो देखेंगे इसकी कैपेसिटी कितनी है। तो ये हमारा एक साइड यहाँ पर हमको 3.7 वोल्ट से 4.2 वोल्टेजेस मिलना चाहिए और दूसरी साइड यहाँ पर हमको 8 वोल्टेजेस मिलना चाहिए। तो ये बूट कैपेसिटर हमारा ओके है, उसके बाद ही हमारा ये कॉइल पर सप्लाई बनेगा और यहाँ से आगे बढ़ना, यहाँ पर 2 वोल्टेजेस बनते रहेंगे और आपका फोन ऑन नहीं होगा अगर ये बूट कैपेसिटर खराब होगा तो। चलिए इतना बनने के बाद ये हमारी डीसी टू डीसी ओके है या नहीं, तो ये हमारा एक सिग्नल निकालती है जो कि डायरेक्टली पावर आईसी को देती है। वो सिग्नल है पी गुड सिस्टम ओके का। तो इसका एक टीपी पॉइंट भी दे रखा होता है जो कि हमारा एक टच पॉइंट दे रखा होता है, मोस्टली फोन्स में दे रखा होता है। नहीं दिया होता तो वहां पर एक कुछ कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है जैसे कि उस ट्रैक में किया था। तो इस पॉइंट पर हमको 1.8 वोल्टेजेस मिलना चाहिए। तो ये हमारा मतलब डीसी टू डीसी अगर ये 1.8 वोल्टेजेस मिल रहा है तो ये हमारा डीसी टू डीसी प्रॉपरली वर्किंग है। अभी हमारे पास डेड फोन आया, तो आपने काफी बार अगर कोई आपके नॉलेज में रहेगा तो आपने उससे पूछा होगा कि डेड फोन है बक वोल्टेजेस चेक कर लो। तो ये बक वोल्टेजेस क्या होते हैं और पहले कौन सा बक वोल्टेजेस बनता है, यही अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो हर बक वोल्टेजेस के लिए एक बीपीएच की जरूरत होती है। तो वो बीपीएच हमारा जब आईसी में आता है तो उसमें इसकी कोडिंग होती है वीडीडी, और बक वोल्टेजेस के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो होता है एस वन। मतलब एस वन की जो सप्लाई है वो हमारा बक वोल्टेजेस है, लेकिन वो एस वन की सप्लाई बोलेंगे उसको। और ये हमारा जीएनडी एस वन, इसके लिए स्पेशल ग्राउंड होता है जो कि आईसी के उसी पैड से लिया जाता है जिस पैड के लिए जिसके लिए ये बना है, कहीं से भी उठा के ग्राउंड हम नहीं देंगे। तो ये हमारे इस तरीके से हमें इसमें 7 बक वोल्टेजेस मिलेंगे, तो 7 ही कैपेसिटर हमको इसमें यूज करना है। लेकिन मैंने बस 2 कैपेसिटर बनाए हैं,
बाकी आपको स्कीमेटिक डायग्राम से समझाएंगे। तो चलिए, जितना अभी मैंने यहां पर बना दिया इसको हम स्कीमेटिक डायग्राम में समझते हैं। चलिए अभी हम स्कीमेटिक डायग्राम में आते हैं, और ये हमारा स्कीमेटिक डायग्राम है। तो इसमें देखते हैं अभी, तो हम इसमें सबसे पहले ये हमारा सीपीयू है, और ये हमारा ईएमएमसी है, और ये हमारा डीसी टू डीसी आईसी है। इसका नंबर पे हम डबल क्लिक करेंगे, ये हमारा यहाँ से कॉपी हो गया, और यहाँ से इसको पेस्ट करेंगे, और यहाँ से इसको नेक्स्ट करेंगे। तो ये हम अपनी डीसी टू डीसी आईसी के स्कीमेटिक पर पहुँच गए। तो ये जो हमारा डीसी टू डीसी ये स्कीमेटिक है, इसका नाम है बॉर्न्यू एंड हार्डवेयर सॉल्यूशन। अगर आपको ये परचेज करना है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर और कॉलिंग नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, तो आपको ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए, इसमें जो वीवस की सप्लाई इन होती है वो तो हमने आपको बता दी। मैंने आपको बताया था कि एक स्विचिंग की सप्लाई होती है, वो हमारी कॉइल से कनेक्टेड होती है, और उसी का सिरा हमारा बूट कैपेसिटर से कनेक्टेड होता है। तो देखिए यहां पर ये जो लिखा है 25 वोल्ट और ये 16 वोल्ट, तो ये जो हमारा एक बूट कैपेसिटर है, यहां से देखिए 20 स्विचिंग चार्ज की सप्लाई निकलकर ये हमारा कैपेसिटर का साइन है। हमको स्कीमेटिक डायग्राम पढ़ने से पहले इसके सारे साइन पता होना चाहिए कि सिंबल ये किसका है और ये वाला सिंबल किसका है। ये वाला हमारा कॉइल का सिंबल है और ये वाला हमारा कैपेसिटर का सिंबल है। तो ये सारा कुछ एक जैसे डॉक्टर की लैंग्वेज होती है, उसी तरीके से एक हमारी मोबाइल टेक्नीशियन की लैंग्वेज होती है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको ये नहीं आता तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारी वी स्विच वोल्टेज स्विचिंग चार्जिंग की लाइन है, जो कि बूट कैपेसिटर के एक सिरे पर आती है, और एक सिरा बूट कैपेसिटर का डायरेक्टली आईसी में चला जाता है। और आपको अगर आईसी की पैड पढ़ना नहीं आते, 104 105 अगर आपके पास है, तो इसके भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा। तो जिन भाई लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस आगे आती रहेंगी और आती रहती हैं। तो देखिए यहां से इसका कॉइल पर आता है, और ये कॉइल से बीपीएच पावर सप्लाई बनके ऑल सेक्शन में चला जाता है, जो सभी सेक्शन को वर्किंग होता है। बीपीएच पावर सप्लाई से ही सारे सेक्शन वर्क करते हैं। चलिए अभी हमने देखा कि इसमें जो भी हमारे ट्रैक्स थे वो सारे बीपीएच और हमारा बूट कैपेसिटर वी सिस्टम ओके, वो सारा एक हमने देख लिया। अभी हमको देखना है कि हमारा जो वीडीडी S1 की जो सप्लाई है, वीडीडी S2 की जो सप्लाई है, अभी ये सारी हमारी बीपीएच इन हो गई पावर आईसी में। अब हमारा कौन सा जो पहले वोल्टेज एनेबल होगा, ये ट्रिगर के हिसाब से होता है। तो पहले जो हमारा वोल्टेजेस एनेबल होगा वो होगा S4, इसको हम बोलते हैं हायर LDO, जो कि 2.5 वोल्टेजेस के वोल्टेजेस होंगे इसमें हमको देखने को मिलेंगे। अगर हम इसको चेक करेंगे तो इस पर हमको 2.05 वोल्टेजेस मिलना चाहिए, या इसके समथिंग वोल्टेजेस मिलना चाहिए। ये हमारा हायर LDO होता है। इसके बाद जो वोल्टेजेस एनेबल होते हैं या जो सप्लाई एनेबल होती है वो होती है हमारी GPIO 04, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। ये हमारा एक सीपीयू का भाग होता है, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट के ब्लॉक्स होते हैं। और ये हमारा जैसे कि एक इंजीनियर फोन बनाता है तो उसमें ब्लॉक्स बनाता है कई सारे, तो उसी में से एक ब्लॉक्स होता है जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। तो ये हमारा इनेबल होता है। उसके बाद जो हमारा इनेबल होता है वो होता है S7, और S7 इनेबल होता है तो ये हमारा डायरेक्टली सीपीयू को जाता है, VDD MEM की सप्लाई बनता है, और इसका जो वोल्टेजेस होता है 0.915 वोल्ट।
इसकी भी ट्रैकिंग करना बताएंगे, ट्रेसिंग की इसको आप कैसे इजीली ट्रेस कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसको ही देख लेते हैं कि हम इसको कैसे ट्रेस करेंगे और हमारा जो बीपीएच पावर है कितने कितने पॉइंट्स पर जाता है। तो इसका मेरे को पता है पावर आईसी इसमें कहां पर है, इसका पावर आईसी यहां पर ये दिया हुआ है, इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, ये हमारा कॉपी हो गया, यहां पर जाके पेस्ट कर दूंगा। तो ये हमने पेस्ट किया, उसके बाद ये हमारा पावर आईसी है जो कि बी ब्लॉक में चल रहा है। ये देखिए हमारा सी सिस्टम ओके पीएमआई 8952, जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया था, देखिए सिस्टम ओके और पीएमआई 8952, ये इसका वो टीपी पॉइंट बता रहा है कि इसका टीपी पॉइंट ये है। इस नंबर को हम कॉपी करेंगे और लेआउट में जाके पेस्ट करेंगे तो इसका हमको टीपी पॉइंट ये मिल गया और ये हमारा यहाँ पर होगा कैमरा कनेक्टर के पास। तो ये इस तरीके से हम इसको ट्रेस करते हैं। ये हमारा जो फोन की रिपेयरिंग को बहुत ही आसान कर देता है, क्योंकि हमको अगर कॉपी वाली रिपेयरिंग कर रहा है तो कर सकते हैं, लेकिन एक जेन्युइन रिपेयर मैकेनिक बन रहा है, इंजीनियर बन रहे हैं, तो उसको थोड़ा सही से करना पड़ता है, उसकी पढ़ाई करना पड़ती है, उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, तब जाके हम एक अच्छे टेक्नीशियन बन पाते हैं। चलिए ये हमने आपको बता दिया, अभी हमको यहां पर क्या देखना है, हमको बीपीएच पावर और बक वोल्टेजेस की सप्लाई कहां पर बनती है वो देखना है और कौन से ब्लॉक में बनती है। तो इस पर जाके हम पेस्ट करेंगे तो ये हमारा बी कॉन्टेक्ट आ गया, इस पर हमारी कोई भी वीरेज S1 की सप्लाई नहीं बनती, तो इसमें सी पर भी नहीं बनती। और ये हमारा ए हो गया, ये हमारा डी हो गया, देखिए ये हमारा डी ब्लॉक में VDD S1 और ये हमारा VPH पावर है जो कि एक ही लाइन है और ये हमारी 7 जगह इनपुट हो रही है, 7 जगह इन हो रही है, जैसे कि VDD S1 का ग्राउंड जो कि इसी के लिए यूज होता है और ये एक कैपेसिटर है, VDD S2 का ग्राउंड, VDD S3 का ग्राउंड, इसी तरीके से फिर ये जब इसको BPH मिल जाता है तो इसी तरीके से ये एनेबल हो जाता है। यहां पर वीरेज S1 की वी रेगुलर S1, ये हमारा बक वोल्टेजेस होता है जो कि जिसके पास एक कॉइल लगी होती है हमेशा। चलिए मैं आपको इसको एक मदरबोर्ड में दिखाता हूं किस तरीके से होता है। ये देखिए ये हमारी मेन पावर आईसी है और ये हमारी बक कॉइल है, ये भी हमारी बक कॉइल है और ये भी हमारी बक कॉइल, ये सारी जितनी लगी हमारी बक कॉइल है, 7 बक कॉइल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 7 ही वोल्टेजेस एनेबल होंगे और 7 ही वोल्टेजेस इन होंगे बीपीएच पावर के। यार यहां पर देखिए अगर हमारे पास स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है तो हम बीपीएच पावर कैसे चेक करेंगे। ये जो कैपेसिटर होते हैं ये एल साइज में होते हैं, जैसे कि इस वाली बक कॉइल के लिए ये कैपेसिटर, इसके लिए ये कैपेसिटर, तो 7 ही कैपेसिटर दिए हैं और 7 ही बक कॉइल्स हैं, इससे भी हम समझ सकते हैं, लेकिन ये हम तब समझ पाएंगे जब हमको खुद से नॉलेज होगा। चलिए अभी हम जो हमारा नेक्स्ट है उसको देखते हैं। तो हमने हमारा सबसे पहले S4 एनेबल हुआ था जो कि हमारा हायर LDO है, तो ये ट्रैक हमारा यहां से निकलकर डायरेक्ट पावर आईसी में ही जाता है जो LDOs को एनेबल करता है। उसके बाद जो हमारा दूसरा सप्लाई एनेबल हुआ था वो हुआ था वीरेज S7 जो कि हमारा डायरेक्टली CPU में जाता है। चलिए मैं दिखाता हूं आपको, ये हमारा फीडबैक का है और ये हमारा यहां पर आ गया VDD MEM, ये हमारा डायरेक्टली CPU में जाता है। इस तरीके से हम ट्रेसिंग कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रेसिंग करना है। चलिए अभी ये जो हमारा इसके बाद जो सप्लाई इनेबल होगी तो वो होगी S2 जो हमारी होगी 8.6 वोल्ट होगी जो कि VDD कोर की सप्लाई होगी हमारे डायरेक्टली
सीपीयू में आएगी। चलिए इसको भी हम ट्रेस करके बताते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर आ गए हम, और ये हम पावर आईसी के जो जहाँ पर हमारे बक वोल्टेजेस बनते हैं वहाँ पर हैं। ये देखिए वीरेज S2 8.6 0.86, ये हमारा जो ट्रैक है। अभी इसको हम नेक्स्ट करते हैं। हमने यहाँ पर डबल टिक किया तो ये हमारा कॉपी हो गया ऑटोमेटिक। अभी हम यहाँ पर टिक करेंगे, ये हमारा ऑटोमेटिक कॉपी हो जाता है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो ये नेक्स्ट करने के बाद VDD कोर MSM8953, ये हमारा CPU का नंबर है जिससे हम समझेंगे कि हमारा ट्रैक कहाँ जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आपको फिर ले चलते हैं हमारे एनिमेशन की तरफ जो हमारा प्रेजेंटेशन तैयार है। उसके बाद जो ट्रैक हमारा नेबल होता है S5 और S6, ये हमारा S5 और S6 ये भी हमारा एक बक वोल्टेजेस है जिस पर हमारा 0.86 वोल्ट सेम ऊपर वाले के जितना आता है। तो ये हमारा VDD APC का है जो कि एप्लीकेशन प्रोसेस का है, और ये भी हमारा CPU में जाएगा। इसकी भी ट्रेसिंग सेम है। चलिए इसको भी हम देखते हैं। इसकी बार बार मैं इसको बैक करता हूं ना, दो बार ही बैक करूंगा तो ये हमारा डायरेक्टली वहीं पर पहुंच जाएगा। ये मैं ट्रेसिंग बार बार आपको इस वजह से करके दिखा रहा हूं ताकि आप आगे ट्रेसिंग कर सके, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़े, आप खुद से हेल्प करें। तो देखिए सॉरी, ये मैंने को यहीं से नेक्स्ट करना है, और ये हमारा देखिए VDD APC पर जा रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज की ट्रेसिंग कर सकते हैं। और इस पर हमारा इस पर लिखा है Y34 वाली पिन पर जाता है। तो ये सब भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप कोई भी IC की बॉल गिन सकते हैं, और शायद ये वीडियो पे पहला वीडियो YouTube पे पहला वीडियो होगा जो इस तरीके से बताएगा आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अभी नेक्स्ट। तो इसमें जो हमारा नेक्स्ट सप्लाई बनती है वो होती है मल्टीपर्पस इन, इसके लिए 1.225 वोल्टेजेस आते हैं, तो ये हमारी मल्टीपर्पस के लिए बनती है। अभी जो नेक्स्ट सप्लाई बनेगी वो बनेगी LDO5, वी रेगुलर LDO5। 1.8 की जो सप्लाई है ये हमारे कई सारे सेक्शन में जाती है, EDL पॉइंट पर भी यही आती है, और ये हमारे कई सारे सेक्शन में जाती है, मोस्टली सेक्शन में यही जाती है। तो देखिए अभी मैं आपको कुछ जो मोस्ट हैं वो बताता हूँ, जैसे कि ये VDD PX पर जाती है EMMC के, और EMMC में कुछ पार्ट होते हैं VDD2, VDD PX, और ये है हमारा VCCQ। VCC और VCCQ ये दो वोल्टेजेस होते हैं, 1.8 यहाँ पर मिलना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये नहीं मिलेगा तो आपका फ़ोन ही ऑन नहीं होगा, अगर ये वोल्टेजेस आ ही नहीं रहा तो आपका फ़ोन किसी तरीके से ऑन नहीं हो सकता, उस कंडीशन में आपको पावर आईसी चेंज करना होगी। या फिर ये कोई वोल्टेजेस नहीं मिल रहे, अगर सारे वोल्टेजेस मिल रहे हैं, ये वाला नहीं मिल रहा, ये बक वोल्टेजेस बनना तो ज़रूरी है, और LDO5 वाला वोल्टेजेस बनना भी ज़रूरी है। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा एक CMD पर आता है। आपने ISP कभी किया होगा तो आपको पता होगा CMD क्या होता है, कमांड। तो ये हमारा एक CMD पर भी 1.8 वोल्टेजेस आता है जिसके बीच में 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा होता है। चलिए अभी मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। ये VRAGE L7 1.8 की सप्लाई इनेबल होती है, ये VRegular की वोल्टेजेस हैं, और उसके बाद ये हमारी जो S3 की सप्लाई इनेबल होती है जिसको हम बोलते हैं लोअर LDO, और इस पर हमारा 1.2 वोल्टेजेस आता है जो कि हमारा डायरेक्टली CPU में जाता है, और ये कई सारी जगह जाता है बट CPU में मोस्टली जाता है। VDD PX की नाम PX की सप्लाई है, और इससे देखिए यहाँ पर हमारा जैसे कि VDD2 पर भी जाता है EMMC के, और VDD Q पर भी जाता है, VDD CA पर भी जाता है। तो इस तरीके से ये कई सारे ट्रैक पर जाता है,
और ये हमारा ईएमएमसी में भी जाता है, सीपीयू में भी जाता है, इसलिए इसका हमारा मेन रोल है। चलिए अभी मैं आपको इसको ट्रेस करके बताता हूं, एलडीओ वाली लाइन को भी ट्रेस करके बताऊंगा और इसको भी ट्रेस करके बताऊंगा। तो फर्स्ट मेरे को देखना है कि हमारा एलडीओ सेक्शन का जो वोल्टेजेस है वो कहाँ है। तो मेरे को इसके लिए फिर से दोबारा से इस नंबर को कॉपी करना होगा, क्योंकि देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूं, इसमें मैंने जब इसको यहां पर पेस्ट इसको नेक्स्ट किया तो यहां पर एक U1100B इस तरीके से ये बी ब्लॉक है, ये ब्लॉक्स दिए हुए हैं। तो इस बी ब्लॉक में हमको एलडीओ सेक्शन नहीं मिलेगा, सी ब्लॉक है इसमें जीपीआईओ मल्टीपर्पस, और अभी हमारा ए ब्लॉक है जिसमें सारे के सारे ग्राउंड दे रखे हैं। अभी ये हमारा डी ब्लॉक है जिसमें हमारा बक वोल्टेजेस का और बीपीएच पावर इनका जो दे रखा है सारा। इसके बाद हमारा ई ब्लॉक है जिसमें हमको वी रेगुलर वोल्टेजेस मिलेंगे, तो वी रेगुलर एलडीओ 5, ये हमारा एलडीओ 5 है जो कि 39 नंबर के पिन से जाता है। तो देखिए ये एलडीओ 5 और इसके आगे ये जितने भी नंबर्स लिखे हैं, देखिए किसी भी एलडीओ के आगे इतने सारे नंबर्स नहीं लिखे जितने इसके आगे लिखे हैं, ये इतने सारे पेज पर जाता है। तो इसको चलिए मैं कॉपी करके दिखाता हूं ये कहां कहां जाता है। इसका हमारे फोन में काफी मेन रोल है, हम इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। ये वीडीडी एडियो इनपुट आउटपुट, वीडीडी हेडफोन, ये हमारे हेडफोन सेक्शन में भी आता है, और ये हमारा वीडीडी ईएमएमसी के सेक्शन में भी आता है, और ये हमारा वीसीसीक्यू पर भी आता है, ये हमारा सीएमडी कमांड की लाइन पर भी आता है, और ये जो हमारी डाटा की 8 लाइंस हैं जो कि हमारी यूज होती हैं, अगर हम यूएफआई से फ्लैशिंग करते हैं तो इसको हम बहुत अच्छे से जान पाएंगे कि ये डाटा की लाइंस कितनी इंपॉर्टेंट से होती हैं। डाटा जल्दी से जल्दी आना जाना, इसको ना 1.5 वोल्ट एक पुलअप रजिस्टर के एनसी है ये तो सारे, तो एक रजिस्टर के थ्रू या फिर डायरेक्ट भी दिया जाता है ऐसा नहीं है, तो ये हमारा 1.8 वोल्टेजेस देते हैं। चलिए अभी मैं आपको इसमें क्या बता रहा था, जो कि हमारा एलडीओ सेक्शन हो गया, इसको हमने समझ लिया। अभी हमारा चलिए पहले देखते हैं कि हम कहां पर थे, S3 का जो वोल्टेजेस है S3 को भी इसी तरीके से ट्रेस कर सकते हैं जैसे अभी मैंने एलडीओ 5 को किया था, उसको डबल कॉपी करके इस तरीके से ट्रेस कर सकते हैं। उसके बाद जो अनेबल होता है वी रेगुलर एलडीओ 13 की सप्लाई, और इस पर हमारा जो वोल्टेजेस आएगा 3.075 आएगा। उसके बाद जो सप्लाई अनेबल होती है वो होती है वी रेगुलर एलडीओ 8 की सप्लाई जिस पर 2.9 वोल्टेजेस आएंगे। उसके बाद जो अनेबल होगी वी रेगुलर एलडीओ 11 की लाइन जिस पर 2.95 वोल्टेजेस अनेबल होंगे, और उसके बाद बेस बैंड क्लॉक 9.2 मेगाहर्ट्ज, ये बेस बैंड होगा क्लॉक का जिससे हमारा फोन, अगर ये बेसमेंट क्लॉक की सप्लाई नहीं मिलेगी तो हमारा फोन ऑन नहीं होगा, इसको हमको नापने के लिए डीएसओ का यूज करना पड़ता है। उसके बाद जो हमारी सप्लाई नेबल होगी वो होगी एमएसएम रिसेट आउट एन। तो ये जो सप्लाई एनेबल होती है वो होती एक्चुअली सीपीयू से है, और ये हमारी डायरेक्टली ईएमएमसी में जाती है, और इसका एक टेस्ट पॉइंट भी दे रखा होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो हमारे सप्लाई है एमएसएम पीएस वोल्ट, एमएसएम से जो भी जहां पर भी एमएसएम लिखा है ना, तो ये सारा सीपीयू से आता है, तो ये सीपीयू से आकर डायरेक्टली पावर आईसी में जाता है, और ये हमारी पावर आईसी है। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा पावर आईसी में आता है, और ये पावर आईसी में आके
अभी मैं आपको दिखाता हूं इसको कैसे किस तरीके से हम चेक करेंगे। तो MSM PS Hold, ये जो ट्रैक है ये हमारा 1.8 का वोल्टेजेस है। अगर हम कोई भी सप्लाई चेक ना करें, ओनली MSM PS Hold को चेक कर ले, तो भी हमारा हमें इससे ये पता लगेगा कि हमारी IC ओके है। जैसे कि हमने उसमें चेक किया था हमारा PMI 8952 में, इसी तरीके से हम इसको चेक करें तो इससे हमें ये पता लगेगा कि हमारा IC ओके है। तो चलिए अभी हम इसमें देखते हैं कि PS Hold कहां पर लिखा है। ये देखिए MSM PS Hold, अभी हम इसको डबल क्लिक करेंगे और इसका देखेंगे इसका टच पॉइंट कहां है। तो इसका MSM PS Hold का टच पॉइंट है TP2413। इसको ट्रेस करते हैं, अभी इसको वहां से कॉपी करेंगे और लेआउट में पेस्ट करेंगे। तो TP2413 जो कि यहां पर है, जहां पर सिस्टम ओके का पॉइंट है वहीं पर इसका पॉइंट है जो कि हमारा कैमरा कनेक्टर के पास है। चलिए अभी हम इसको दूसरे को देखते हैं। यहां पर है MSM रिसेट आउट एंड, जो मैंने इससे पहले बताया था। तो ये जो ट्रैक है हमारा, यहां से मैं इसको कॉपी करूंगा और ये हमारा डायरेक्टली CPU से तो आता ही है, मैं इसको ट्रेस करके ये बता देता हूं कि ये हमारा कहां पर होगा। तो ये देखिए हमारा यहां पर है, जिस पर भी हमारा 1.8 वोल्टेजेस मिलेगा। अगर हम ये दो वोल्टेजेस भी चेक कर लेते हैं तो भी हमारा यहां से पता लग जाएगा कि हमारा CPU और पावर ओके है, तो हम EMMC पे डायरेक्टली काम कर सकते हैं। तो आई होप आपके वीडियो समझ आया होगा। वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में जो कि हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही मेहनत करके। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट बेस्ट टॉपिक के साथ।